हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेक मैट के बारे में। सो गाइस, इसका फुल फॉर्म क्या है, किस लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, किसके थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है, किन कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा, साथ साथ इस एग्जाम को देने से फायदा क्या क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस मैनेक मैट की छोटी से छोटी अपडेट आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई की जाएगी हमारे चैनल के थ्रू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैनेक का फुल फॉर्म बता दूं, महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ नेवल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये मैनेक का फुल फॉर्म है और मैट का फुल फॉर्म है मैनेक एंट्रेंस टेस्ट। तो गाइस यहाँ पे मैनेक का फुल फॉर्म आपको बता दिया। ये एग्जाम जो है खुद महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ नेवल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पुणे के थ्रू कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है, यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम है। अब गाइस अगर आप लोगों को यहाँ पे जो है महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ नेवल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में टेक, मरीन इंजीनियरिंग या फिर बीएससी न्यूटिकल साइंस में गाइस यहाँ पे एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए कंपलसरी मैंडेटरी कि आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करके क्वालिफाई करें, वरना आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। अब गाइस बात की जाए डेट्स की, तो आप लोग एप्लीकेशन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो है फरवरी में रिलीज किया जाता है, एग्जाम आपका मई के एंड में कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ऑल्दो अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू एक्चुअल डेट्स अनाउंस नहीं की गई है, जिसे एक्चुअल डेट्स अनाउंस हो जाएंगे उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को नोटिफाई कर देंगे। अब गाइस बात करेंगे हम एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में होता है कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फिल करते हैं, तो उन्हें इतना आइडिया नहीं होता किस तरह से एप्लीकेशन फिल करना है, क्या प्रोसेस है, वो काफी ज्यादा गड़बड़ कर बैठते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम एप्लीकेशन का प्रोसेस देखेंगे और उसके बाद एक सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, जिससे कि आपके एप्लीकेशन विदाउट एनी मिस्टेक आप सबमिट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट जाकर रजिस्टर करना होगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू एंटर ऑल योर पर्सनल डिटेल्स लाइक योर नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिकेशन एड्रेस, देन आपको पेरेंट्स डिटेल्स एंटर करनी है, फिर आपको क्वालिफिकेशन आपका एंटर करना होगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन अपलोड करना है, लास्ट में एप्लीकेशन फी पे करना होगा। एप्लीकेशन फी आपकी 1000 रुपीज है। अब गाइस ये प्रोसेस स्टूडेंट्स प्रॉपर नहीं फॉलो कर पाते, गलती कर बैठते, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस जैसे आपका एप्लीकेशन रिलीज होगा हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे एंड इस वीडियो में आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा, फ्रॉम स्टेप 1 टू फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन पे करके बताया जाएगा। सो आई होप आपको एप्लीकेशन फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो गाइस यहाँ पे आप लोग मैरिज के रिगार्डिंग बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हो, शादीशुदा नहीं रहना चाहिए, मैरिड नहीं रहना चाहिए, अनमैरिड रहना चाहिए। एज लिमिट जनरल कास्ट के लिए 25 इयर्स आप लोगों की एज लिमिट रहनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 25 इयर्स है, और रिजर्व कास्ट के लिए 30 इयर्स रख दी गई है। क्वालिफिकेशन 12 पास आउट रहनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट रहने चाहिए 12th में, 60% मार्क्स आपके मिनिमम रहने चाहिए यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में। अब बात की जाए गाइस एग्जाम पैटर्न की, तो गाइस आप लोग एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा, पेन पेपर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम लिया जाएगा, 150 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, सारे के सारे एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन, जो भी ऑप्शन सही लगे एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। 2 आवर्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा पेपर कंप्लीट करने के लिए, हर एक से आंसर पे 1 मार्क्स दिए जाएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। अब गाइस अगर आपको इसका सिलेबस चाहिए या फिर क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आपको इसका स्टडी मटेरियल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड करा दी, वहां से आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। बात करेंगे आप लोगों के एडमिट कार्ड की, तो गाइस आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें आपकी बेसिक सी डिटेल्स रहती है लाइक फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सब्जेक्ट्स, टाइमिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस। प्रॉब्लम है कि जब एडमिट कार्ड रिलीज होता है स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है एडमिट कार्ड किस लिंक से डाउनलोड करना वो तक नहीं पता चल पाता। तो गाइस इसलिए हम जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होगा उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, वीडियो में लाइव एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताएंगे, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, डेट से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। सो नाउ आई होप आप लोगों को जो है मैनेक मैट के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट है, कोई भी इश्यू आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।